ये करके देखते हैं यार क्या सीन है इसका। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और भाई आज है व्लॉग का डे नंबर 84। चेक कर रहे हैं आप उर्दू की गिनती कैसे साथ साथ लेके चल रहा हूँ मैं, और याद भी है मुझे। इससे ये भी फायदा हो रहा है कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि मुझे उर्दू की गिनती आती है नहीं आती। भाई सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि यार जैसे जैसे मैं नए नए व्लॉग का कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ उससे हो पता क्या रहा है, उससे मेरी लर्निंग के अंदर जो इजाफा हो रहा है ना मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं नए व्लॉग्स बनाऊं, और मैं रोज़ नए नए व्लॉग्स बनाकर ना मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज़ है ना उनको मैं एनहांस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यार अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक गिटार के ऊपर एतबार बजाया था ना, उसको बजाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि सबसे पहली बात तो ये कि वो मैंने पहली दफ़ा बजाया था, और सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बजा सकता हूँ। उन्हें तो इंसान ने अपने दिमाग में खुद से एक बाउंड्री सेट की हुई थी कि नहीं यार मैं तो इतना कर सकता हूँ और इतना नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या होता है कि जब मुझे ब्लॉग के लिए कंटेंट निकालना होता है तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना मैं उनको पुश कर रहा होता हूँ कि नहीं यार मैं क्या कोई नई चीज़ कर सकता हूँ, क्या कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ या जो भी। इसी तरीके से यार लोगो डिज़ाइन, जब मैंने लोगो डिज़ाइन का इस तरीके से ट्यूटोरियल बनाया, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। लोगों ने कहा नहीं यार ये गुड सीन है। और मुगल बाबर यूनिवर्स चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मेरे पास जितनी भी एक्सपर्टीज हैं या मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, एंड दैट्स इट। और इसके अलावा मेरी एक डेली रूटीन की जो लाइफ है, और बड़ा मज़ा आता है यार पूरे दिन जो मैं कर रहा होता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो आज मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये है, हम जा रहे हैं अभी बाहर कुछ सामान लेने, घर का क्या कहते हैं वो सौदा सेल्फ, ग्रोसरी तो हो गई थी लेकिन अभी बेसिकली कुछ चीज़ें लेनी थी। कल है घर में दावत, जो ईद की दावत थी जो अभी तक नहीं हुई थी बारिशों की वजह से जो डिले हो जा रही थी वो अब फाइनली होने जा रही है। तो फ्राइडे को आया मेरे घर पे एक दावत जिसमें मेरी सारी बहनें आ रही हैं, तो उसके लिए कुछ सामान वगैरह लेना है और कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, एटीएम भी करना है, बहुत सारे काम हैं। तो अभी बाइक खड़ी है ना तो जल्दी से निकलते हैं बाइक पर, क्योंकि गाड़ी में निकलेंगे ना तो बहुत लंबी होगी, तो हमने कहा ज़रा जल्दी से जाते हैं बाइक पर, सारा सामान अपना लेकर आते हैं। तो निकलते हैं यार फटाफट, जब भी कमरे में आओ यही चल रहा होता है मेरा वॉलेट। चले ना, तुम्हारे जो एग्जाम खत्म होना उसके बाद तुम्हारी अयाशी मोड चल रहा है ना, क्या हुआ ये तो ले लिया ब्लॉग मैंने तुम्हारे होशियार। नहीं मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है, मैंने जाना है सामान लेने, वापस आके बात करता हूँ। क्या है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये फुल गन्स का जो कलेक्शन बनाया हुआ ना तुमने, क्या सीन है? हाँ मैं यही तो कह रहा था, मैं गन दिखाना था। ये दिखाना था? हाँ। कहाँ लगा रहे हो उसको? पीछे रख रहे हो? हाँ। बस चलो मैं जा रहा हूँ सामान लेने। नींबू कितना डाला? नींबू पाव आधा किलो कर दो। अच्छा आधा किलो कर दो मटर, दोनों मिर्चे, धनिया पुदीना हो गया, बंद गोभी, शिमला और गाजर, हरी प्याज नहीं बोलो? नहीं हरी प्याज नहीं बोलो, सलाद पता डाला? सलाद पता दिया दिया, ये रहा बस ठीक। बोनलेस का क्या बनेगा? बना दो बस छोटा छोटा, ठीक है बोनलेस ले लो। ट्रेडिशनल ग्लास है लेकिन स्ट्रॉ है। शुक्रिया भाई, तुम्हारी लस्सी गिरने वाली है बस। कैसी है?
साथ करना रिकॉर्डिंग। किसी भी दो आइटम के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री। एक कोल्ड ड्रिंक फ्री, हाँ क्या बात है। झंडा ले रहा है ना, झंडा झंडा हाँ वो बैठा हुआ है ना वहाँ पे। नहीं नहीं कल परसों चल के आराम से ना, बड़ा वाला झंडा, बड़ा वाला झंडा घर के लिए भी गाड़ी के लिए। गाड़ी अच्छा, गाड़ी के हिसाब से भी झंडा लेंगे, छोटा लेंगे। हाँ ये क्या बन रहा है सारा? खीर मम्मी बना रही। गोश्त 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 क्यों भाई, इतना गोश्त क्यों? दावत है। क्या बन रहा है? बिरयानी कोरमा चाउमीन। बिरयानी कोरमा चाउमीन और टिक्के। टिक्के और खीर। खीर गेमा गेमी हुई थी। ओह काम हो रहा है घर के अंदर, और इतना सारा मैं सामान लेकर आया हूँ, और अभी मैंने ब्लॉग एडिट नहीं करा। यस तेरी पी अभी तक आप लोगों ने? नहीं पीते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी आज। ठीक इसकी बनाते हैं अनबॉक्सिंग करके, ठीक है देखते हैं कैसी है। डेढ़ किलो दो किलो मम्मी कोरमा बना रही। मम्मी आप दो किलो कोरमा बना रही? ज़्यादा चाहिए, दो किलो कोरमा बना ले। ठीक है सही, उसकी भी बिरयानी बन जाएगी बाद में। मम्मी कह रही दो किलो कोरमा इसलिए बना रही है, उसकी बिरयानी बन जाएगी बाद में, टेंशन ही नहीं। सही है हाँ, डेढ़ किलो बना दो। ठीक है बिरयानी का गोश्त, डेढ़ किलो बिरयानी, डेढ़ किलो बिरयानी का गोश्त। हाँ सही है, वाइट वाइट बहुत हो रहा है ये, ये तो जान के लिए इस तरह थोड़ा थोड़ा लिया, लेकिन ज्यादातर चर्बी वाला, चर्बी नहीं है ये। क्या कह रहे हो? मैं आपको बुला रहा था। बोले नहीं रुको, ये बंद हुआ है, नजर नहीं आ रहा मुझे, मैंने बंद किया हुआ जी। ये देखिए मोबाइल, बोलो। अरे ये देना, अरे मैं एडिट करने जा रहा हूँ पर काम कर रहा हूँ। ये देखिए मोबाइल, ये क्या देखते हैं यार क्या सीन है इसका। गुड सीन है यार इसका। घर में हो रही है दावत जो कि है कल, लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि ये लोग खाना वाना नहीं बना घर में, तो मुझसे बोला जा रहा है कि खाना ऑर्डर कर दें। हैं मम्मी ने बनाए करेले प्याज जो कि सिर्फ मम्मी ही खाएंगे, अनस मैं और ज़ारा और जीजो क्या खाएंगे। तो क्या कह रही हो तुम मंगाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ऑर्डर करना है। मुझे आप कर दें चार चिकन बिरयानी सिंगल डबल, सिंगल चार सिंगल चिकन बिरयानी ऑफ, और दो हलीम बीफ चिकन, बीफ हलीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो गया भाई ऑर्डर, ज़ारा ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया। कैसे हो भाई टीटू और पिटू? फैजी भाई देख लें भाई, कवर वर लग दिया इसका भाई, फुल सेट वेट कर दिया इनकी मटिया। कैसे हो भाई टीटू और पीटू? वाइट वाला टीटू और ब्लैक वाला पीटू। सारी शॉपिंग हो गई और अब हम आ गए घर। कल घर में है दावत, और अच्छी खासी बड़ी दावत है, मेरी दोनों बहनें आ रही हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे मेरे घर में दावत होती है ना, तो मैं थोड़ा सा खाना वाना बचा के रखता हूँ अपने दोस्तों के लिए, ताकि जब वो रात में आए तो फिर वो भी पार्टी करें, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा भाई तो सीन ये है कि अभी मुझे करने हैं बहुत 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 सारे काम, घर वालों की हेल्प करनी है, तो इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ अभी यहीं पर ही। अगर ब्लॉग छोटा हो तो यार आई एम रियली सॉरी। तो भाई मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।